गाइस, आज हम निकलने वाले हैं रानीखेत की तरफ। हमारा गैजेट जो है वो आ चुका है, आपको मिलते हैं। हम जो है वो 10 या 15 किलोमीटर आ चुके हैं, गगास क्रॉस कर लिया है, तो हम थोड़ा देर में अब रानीखेत पहुंच जाएंगे। तो तब तक आप पहाड़ की इन रोडों का मज़ा लीजिए। तो रानीखेत के एरिया में हम आ गए हैं। यहाँ पे टोल नाका है, यहाँ पे टोल कटता है बड़ी गाड़ियों का। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे हम ताऊ जी को कुछ काम है, उसके बाद थोड़ा देर बाद हम निकलते हैं रानीखेत को, यहाँ से जैसे काम हो जाता है। अभी काम नहीं हुआ है तो अभी हम बाकी अपना दूसरा काम गैजेट लेके आते हैं अपना, उसके बाद हम निकलते हैं बाकी का। आई थिंक अभी 3 या 4 किलोमीटर बचा हुआ है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ा देर में। तो रानीखेत में हमारी एंट्री हो चुकी है, ये सोमनाथ ग्राउंड आ चुका है, ये आप देख सकते हैं रानीखेत का फेमस सोमनाथ ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है ये ज़मीन से थोड़ा नीचे है, मतलब ये रोड के लेवल से नीचे है, तो यहाँ दौड़ना, जब यहाँ पे भर्ती होती है तो यहाँ पे दौड़ना आसान नहीं रहता है बिल्कुल भी, देख सकते हैं। तेरस की फुल धूमधाम चल रही है यहाँ, तो यहाँ पे रश काफ़ी है, इस वजह से हम अपनी जो बाइक है वो बाइक ऊपर को लाने नहीं दी गई है हमको, हम पैदल ही चल रहे हैं। रानीखेत से आपको हिमालय दर्शन भी हो जाएंगे। तो खड़ी बाजार से मेरे को फ़ोन उठाना है, उसके बाद मैं थोड़ा चेक कर लूँगा फ़ोन को कि फ़ोन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर डिफेक्ट होगा तो यहीं से वापस करवा दूंगा, अदरवाइज़ हम।
और ये देखिए हाइट, अगर आपको हाइट से प्यार है तो आप आ सकते हैं रानीखेत घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जगह है। फिलहाल हम फंस चुके हैं रास्ते में, गाड़ी का हो गया तेल ख़त्म, तेल का कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता तो है। तो तेल हमें मिल गया था और अब हम पहुंच चुके हैं बगवाली पोखर पे और थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके सैमसंग M31S की अनबॉक्सिंग होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।